बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सोहेल अहमद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास जो बेल आइकन आएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे तो उससे ये होगा कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो व्यूअर्स, रो ट्रांसपोजिशन साइफर के लिए हमारे पास एक तो डेटा होना चाहिए और देन जो की है वो हमारे पास होनी चाहिए। सेंडर और रिसीवर के पास ये सेम होगी तब जो एक्चुअल डेटा है वो सेंडर और रिसीवर दोनों गेट कर पाएंगे। तो अब जब हमारे पास की आ गई है तो हमें देख लेना है कि इसके कितनी, जो काउंटिंग में अगर हम नंबर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस की में जो हमारे पास डिजिट है वो 7 है। तो हमने क्या करना है कि एक टेबल हमने ले लेना है 7 कॉलम का। तो अब हम यहां से 7x5 तक फिलहाल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर क्या लिखना है, जो की है हमारे पास वो हम लिखेंगे 4 3 7। देन अब की लिखने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो हमारे पास डेटा है ये हमने इनमें लिखना स्टार्ट हो जाना है। तो ए टी टी ए सी के, बस इसी तरह आपने 1x1 लिखते चले जाना है। अटैक हो गया, देन पी ओ एस टी। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास अटैक पोस्टपोन का आ गया, देन अनटिल और 2 AM सारा हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब क्या होगा, तो अब हमने क्या करना है, इस की मदद से जो हमारे पास डेटा है वो उसको इंक्रीप्ट करना है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है 1 की जगह जो नीचे टेक्स्ट आ रहा है वो क्या है। तो 1 के नीचे जो टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास टी टी एन ए है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इंक्रिप्टेड डेटा टी टी एन ए। देन 2 में अगर हम देखें तो ए पी टी एम, ए पी टी एम देन 3 पे आएंगे तो 3 में क्या है टी एस यू ओ, तो यहां पे टी एस यू ओ। देन 4 पे आएंगे ए ओ डी डब्ल्यू, ए ओ डी डब्ल्यू। देन 5 पे आएंगे सी ओ आई, सी ओ आई। देन 6 पे आएंगे के एन एल, के एन एल। देन 7 पे आएंगे तो पीई टी, पीई टी। अब हमारे पास जो इंक्रिप्टेड डेटा है वो हमारे पास ये आ चुका है। अब ये जो डेटा है ये सेंड होगा रिसीवर को, ताकि अगर हैकर इसको गेट कर भी लेता है तो उसको समझ ना आए कि ये क्या चीज है। जब तक उसे की वैल्यू नहीं मिलेगी और दूसरा उसको टेक्निक नहीं पता लगेगी कि कौन सी इंक्रिप्शन के लिए हमने टेक्निक यूज की है। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहां से कंट्रोल सी, और मैं आपको यहां समझा देता हूं कि अब ये जो रिसीवर के पास जब ये पहुंचेगा तो वो इसको कैसे डिक्रिप्ट करेगा। एक तो हमारे पास ये डेटा पहुंचेगा इंक्रिप्टेड डेटा, और दूसरी इसके पास की आएगी ये कौन सी की थी। तो हम की को भी यहां से कॉपी कर लेते हैं। तो अब जब ये हमारे पास इंक्रिप्टेड डेटा और की जो रिसीवर के पास पहुंच चुकी है, तो अब इसी की के लिए हमें टेबल बनाना है। तो टेबल में यहां से कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, और जो डेटा है यहाँ पे हम इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। अब की क्योंकि रिसीवर को पता है तो की तो वो यहां पे लिख लेगा। देन अब हमने 1x1 लिखना स्टार्ट होना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 के नीचे टेक्स्ट लिखना है। तो 1 के नीचे लिखेंगे हम टी, दूसरा लेटर जो हमारे पास आया टी एन ए। 2 के नीचे आएंगे तो ए पी टी एम, ए पी टी एम। अब 3 पे आएंगे तो टी एस यू ओ, टी एस यू
नेक्स्ट हम फोर पे आएंगे तो यहां पे क्या होगा, ए ओ डी डब्ल्यू, ए ओ डी डब्ल्यू, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो अब फाइव पे आएंगे तो सी ओ आई, यहां पे आपको नजर आना चाहिए सी ओ आई, तो यहां पे फाइव की जगह हम लिखेंगे सी ओ आई। अच्छा सॉरी, यहां पे मैं गलती कर गया, क्योंकि अब यहां पे रिसीवर को कैसे पता लगेगा कि यहां पे तीन रोज थी। तो यहां पे आपने क्या करना है, जो हमारे पास यहां पे रो खाली ब्लैंक रह जाएगी, यहां पे आपने जस्ट एक स्टार डाल दो। तो अब ये स्टार आपने यहां पे भी डाल देने हैं, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में भी स्टार डाल दें या कुछ भी इस तरह की कोई चीज डाल दें, जाके उसे समझ आ जाए कि ये डेटा नहीं है बल्कि ये कुछ और चीज है। तो यहां पे आप सी ओ आई स्टार के एन एल स्टार और देन पी टी स्टार आ जाएगा। इसको हम यहां पे कॉपी करके कंट्रोल सी, और ये यहां पे आएगा हमारे पास कंट्रोल वी। तो अब यहां पे हमारे पास आ जाएगा सी ओ आई स्टार, देन नेक्स्ट में आएगा के एन एल, यहां पे स्टार, कुछ भी आप यहां पे लिख सकते हैं, स्टार लिख लें, हैश लिख लें, बस ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास एंट्री है इसका डेटा ब्लैंक है। तो यहां पे आ जाएगा पी ई टी और देन स्टार। तो अब यहां पे हमारा ये टेबल में डेटा इंटर हो चुका है, अब इसको हमने एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसको सीक्वेंस में लिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सीक्वेंस में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिक्रिप्टेड डेटा जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, ए डबल टी ए सी के पी ओ एस टी पी ओ एन ई डी ए यू एन टी आई एल टी डब्ल्यू ओ ए एम। अब यहां पे ये कुछ सेंस बन रही है। तो अब यहां पे स्पेसिस, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमने डालनी है तो वो भी हम इनक्रिप्ट करके डाल सकते हैं, कि जो यहां पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इस टेबल में इनक्रिप्ट करते हुए, वहां पे हम स्पेस की जगह यहाँ पे जस्ट स्पेस ही लिख दें और वो स्पेस फिर आगे रिसीवर की तरफ भी सेंड हो जाए। अदरवाइज ना भी अगर हम स्पेस दें तब भी यहाँ पे एक आम जो नॉर्मल नेटवर्क सिक्योरिटी का स्टूडेंट है वो कम से कम इतना समझ सकता है कि अटैक एक वर्ड बन रहा है। तो अटैक के बाद हम यहाँ पे अगर स्पेस दे देते हैं, देन पोस्टपोन एक वर्ड बन रहा है, तो यहाँ पे स्पेस दे दें अनटिल 2 AM, तो अटैक पोस्टपोन अनटिल 2 AM। तो इस तरह की सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह के मुख्तलिफ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन तकनीक के थ्रू हम सेंड करते हैं। तो बस यहाँ पे हमने एक चीज इंश्योर करनी होती है कि एक तो हैकर को ये चीज पता ना लगे कि हम कौन सी तकनीक यूज कर रहे हैं और दूसरा कौन सी की यूज कर रहे हैं। ये दो चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उम्मीद है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और न्यू से न्यू वीडियो बनाने का हमें भी दिल करे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे तो जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।